नमस्कार, इस वीडियो में हम एक ऐसी आयुर्वेदिक औषधि की बात करेंगे जिसे आप ऑलरेडी परिचित हो सकते हैं, लेकिन इसमें हम कुछ खास योग के साथ उसका प्रयोग बताएंगे जिसमें देखा गया है कि चमत्कारिक फ़ायदा उसमें मिलता है और एक्यूट रिलीफ भी मिलता है। तो इस वीडियो को आप कंप्लीट देखिए, निश्चित रूप से आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। हम बात कर रहे हैं गेरू का, जिसे संस्कृत में गेरिक या स्वर्ण गेरिक के नाम से जाना जाता है। इसका लैटिन नाम सिलिकेट ऑफ एल्युमिनिया है और इसका रासायनिक सूत्र Fe2O3 होता है। यह फेरस ऑक्साइड और सिलीनियम से रिच होता है। इसका प्रयोग प्राचीन कालों से किया जा रहा है। औषधि के अलावा भी इसका प्रयोग किया जाता था, जैसे जब मिट्टी की घर होती थी तो उसमें पुताई करने के लिए गेरू का प्रयोग करते थे, जिससे घर की सुंदरता ही सिर्फ नहीं बढ़ती थी बल्कि घर के अंदर ठंडक भी बनी रहती थी। कुम्हार इसका प्रयोग अपने घड़े को, कुल्हड़ को रंगने में करते हैं। इसका प्रयोग पहले लोग घर के सामने स्वास्तिक का चिन्ह बनाते थे, जिससे सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण का जो निगेटिव एनर्जी होता था उससे लोग बचते थे। साधु लोग कपड़ों को रंग के पहनते थे जिससे उनको सात्विक गुणों की वृद्धि हो। तो इस तरह से इसका प्रयोग बहुत पहले से किया जा रहा है और आयुर्वेद शास्त्रों में इसको उपरस के श्रेणी में रखा गया। आयुर्वेद शास्त्र में भंजन विधि से घी के साथ भंजन करके शुद्ध किया जाता है और फिर इसको हम औषधि के रूप में प्रयोग करते हैं। और यह बहुत ही सरल है शुद्ध करना। अगली वीडियो में हम शुद्ध करके आपको दिखाएंगे कि कैसे आप शुद्ध कर सकते हैं इसको। इस वीडियो में हम मेडिसिनल प्रॉपर्टी बताएंगे और आप किस किस बीमारियों में किस अनुपान के साथ और किस मात्रा में प्रयोग करें ताकि यह आपको चमत्कारिक फ़ायदा दे। आयुर्वेद की बहुत सारी दवाइयां हैं जिसमें शुद्ध गेरी के मुख्य इंग्रेडिएंट होता है, जिसमें प्रमुख है पित्त शामक दवाइयाँ, प्रदर नाशक दवाई। औषधीय प्रयोग बताने से पहले हम इसका मेडिसिनल प्रॉपर्टी बता देते हैं ताकि आप इसको सही रूप से यूज कर सकें। अगर इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी की बात किया जाए तो यह रिफ्रिजरेंट नेचर का, अर्थात ठंडा नेचर का होता है। यह एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी का होता है। एंथेल्मिनेटिक नेचर का होता है, मतलब इसको वर्मिसिडल के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी नेचर का होता है, कहीं भी स्वेलिंग है तो उसका अगर हम लेप करते हैं चोट के कारण तो वो स्वेलिंग को ख़त्म करता है। हेमोस्टेटिक नेचर का होता है, मतलब किसी भी प्रकार से अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को अरेस्ट करने का काम करता है। एंटी इमेटिक नेचर का होता है, मतलब वोमिटिंग वगैरह में इसका तो चमत्कारिक प्रयोग देखते हैं। रक्त प्रदर की समस्या जब होती है तो वैसी स्थिति में इसका चमत्कारिक प्रयोग है। आप 1 ग्राम शुद्ध गेरू और 125 मिलीग्राम की मात्रा में स्फटिका भस्म और 3 ग्राम की मात्रा में आप पुष्यानुग चूर्ण के साथ तीनों को मिक्स करके हनी के साथ अगर सुबह शाम लेते हैं तो देखेंगे कि 2-3 खुराक लेने में ही जो एक्सेसिव ब्लीडिंग की समस्या है वो अरेस्ट हो जाती है। हेमोरेजिक पाइल्स में भी चमत्कारिक फायदा होता है, मतलब वैसा पाइल जिसमें ब्लीडिंग होती है तो वैसे 1 ग्राम की मात्रा शुद्ध गेरिक लेना है और 500 मिलीग्राम की मात्रा आपको रसौंद लेना है और दोनों को मिक्स करके हनी के साथ ले लेना है। ऊपर से आपको अनार के छिलके का क्वाथ बनाकर लेना है। आप देखेंगे कि 2-3 खुराक लेते ही लेटरिन के बाद में जो ब्लीडिंग होती है और ब्लीडिंग रुक जाती है। साथ में आप अभ्यारिष्ट 4-4 ढक्कन, मतलब 20 ml की मात्रा सुबह शाम दोपहर 3 टाइम लीजिए। आप देखेंगे कि 1-2 दिन में ब्लीडिंग हो रही है पाइल्स में, वो ब्लीडिंग अरेस्ट हो जाती है। इसका प्रयोग हम नाक सिर में भी करते हैं, जैसे गर्मी के कारण बहुत लोग को नाक से ब्लीडिंग होती है तो ऐसी स्थिति में भी हम शुद्ध गेरी का प्रयोग कर सकते हैं। 1 ग्राम शुद्ध गेरिक और प्रवाल पिष्टी लगभग 125 ग्राम दोनों को मिलाकर हनी के साथ लीजिए और ऊपर से दुर्वा स्वरस अगर आप ले लेते हैं तो देखेंगे कि तुरंत आराम मिलता है। और साथ में दुर्वा स्वरस का आप नाक में 1-2 बूंद अगर डालते हैं तो आपको जो नकसीर का प्रॉब्लम है उससे तुरंत आराम मिल जाता है। आयुर्वेद शास्त्रों में अग्नि दग्ध में इसका प्रयोग बताया गया है, मतलब आग से शरीर के किसी भाग में जल जाता है लेकिन उस जगह पे फफोले नहीं होने चाहिए। तो वैसे जगह पे आप अगर शुद्ध गेरी का प्रयोग नारियल तेल के साथ, कोकोनट ऑयल के साथ करते हैं तो जो बर्निंग सेंसेशन होता है, जो जलन होता है, उसमें तो आराम मिलता ही है। साथ में घाव जो है बहुत जल्दी भर जाता है और फफोले नहीं आते हैं। बहरेपन में, अर्थात जिनको लंबे समय से कान बहने की समस्या हो, आवाज़ क्लियर सुनाई नहीं देती है, वैसी स्थिति में 1 चम्मच गेरी को अगर आप 150 से 200
मिलीग्राम दूध में उबालते हैं और ये दूध बकरी का होना चाहिए और फिर उसको फिल्टर करके वो दूध को आप रख लीजिए, ये ईयर ड्रॉप के रूप में काम करेगा। दो दो बूंद अगर कान में डालते हैं तो बहरेपन की समस्या हो जाती है और आवाज़ भी क्लियर सुनाई देने लगती है। वर्ण में भी इसका चमत्कारिक प्रयोग बताया गया, जिसमें पस भरा हुआ है और असहनीय दर्द होती है, वैसी स्थिति में आपको करना क्या है कि शुद्ध गेरिक, गाय का घी और हल्दी, ये तीनों को आप पेस्ट तैयार कर लीजिए। पेस्ट तैयार करके थोड़ा गर्म कर लीजिए, जो घाव है उस घाव पे आप लेप लगा लीजिए और यह काम रात को कीजिए। आप देखेंगे कि रात को करते सुबह सुबह या तो वो घाव बैठ जाता है या फिर मवाद है वो बाहर निकल जाता है और आपको दर्द में आराम मिलता है। अगर हम बार बार लैक्सेटिव मेडिसिन लेते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइन की जो क्रमाकुंचन क्रिया होती है वो नेचुरल वे में नहीं हो पाती है और वो बाधित होने लगती है। और जब लंबे समय तक आप कोई लैक्सेटिव मेडिसिन यूज़ करते हैं तो आप हैबिचुएटेड हो जाते हैं, आपकी आंत, जब तक आप वो मेडिसिन नहीं लेते हैं तब तक क्रमाकुंचन क्रिया नहीं करता है और आपका मल का उत्सर्जन नहीं होता है। ऐसी स्थिति में आप गेरिक का लेप तैयार करिए, पानी में घोल करके अच्छा पेस्ट तैयार कर लीजिए और एक पतले कपड़े पे उसका मोटा तह बना लीजिए। और उसके बाद करना क्या है कि जो एब्डोमन रीजन है, बिलो द नेवल रीजन, आप उस कपड़े को लपेट लीजिए और लपेटने के बाद भींगा हुआ कपड़ा ऊपर से बांध लेना है। अगर ठंडा का मौसम है तो उलेन कोई कपड़ा ऊपर से बांध लीजिए ताकि आपको ठंड नहीं लगे। और यह 1.5 से 2 घंटे तक आपको रात को रखना है। आप देखेंगे कि यह प्रयोग 10-15 दिन अगर रेगुलर करेंगे, मलाशय का जो भी मल जमा रहता है वो सब धीरे धीरे बाहर निकल जाता है। और यह प्रयोग उन महिलाओं के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है जो बार बार गर्भपात हो जाती हैं, मिसकैरेज की समस्या जिनको बार बार होती है, वो भी गर्भधारण करने के बाद अगर सुबह शाम 2-2 घंटे अगर ये पट्टी बांधते हैं तो उनको भी गर्भपात से निजात मिल जाती है, मतलब गर्भपात की समस्या नहीं होती है। अगर आप थक जाते हैं गर्मी के कारण या कहीं ज़्यादा काम करने के कारण थक जाते हैं, आप सिर दर्द हो रही है, वैसी स्थिति में भी इसको पानी में घोल के अगर आप माथे पर लेप लगा लीजिए और उसको गीला रहने दीजिए, थोड़ा सा पानी से गीला करते रहिए, तो आप देखेंगे 5 से 10 मिनट में ही जो दर्द है उस दर्द में आपको आराम मिल जाता है। और जैसे ही आराम मिलता है फिर इसको आप पानी से वॉश कर लीजिए। कुछ लोगों को आप देखे होंगे कि कम उम्र में ही झुर्रियाँ चेहरे पर आने लगती है, उनको पानी एडिक्वेट मात्रा में पीना चाहिए, नमक का इंटेक कम करना चाहिए और साथ में इसको हल्दी में मिलाकर एक पेस्ट बना दिए, फेस पैक बनाइए और फेस पैक को आप चेहरे पर लगाइए और आधे घंटे से 35 मिनट आप रखने के बाद उसको वॉश कर लीजिए। आप कुछ दिन के ही प्रयोग से देखेंगे कि चेहरे की झुर्रियाँ तो ख़त्म हो ही जाती है, साथ में चेहरे पे एक अलग सा ग्लो, एक चमक आ जाती है। शास्त्रों में गंजेपन में भी इसका प्रयोग बताया गया है, उसमें बताया गया है कि तिल के जो फूल होता है उसके साथ पेस्ट बनाइए और पेस्ट बनाकर अगर आप अप्लाई करते हैं तो गंजेपन की जो समस्या है, जिनको बाल नहीं है और बाल गिर गया है, उनको बाल भी आ जाता है। लंबे समय तक इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए और करना भी है तो आपको डॉक्टर के एडवाइस में, सलाह में और उनके देखरेख में ही करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। मैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। फिर मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।